नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आईटीआई के बारे में। जी हाँ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कि क्या आईटीआई प्राइवेट कॉलेज से करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने ये जवाब मुझसे पूछा था कि प्राइवेट कॉलेज से अगर हम आगे चल के आईटीआई करते हैं तो क्या हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि आप बेफिक्र रहिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो या गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो, आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई किए हो, बस वो एनसीबीटी या एससीबीटी से प्रूव्ड होना चाहिए, अप्रूवल उसको मिलना चाहिए, बस उसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को भर सकते हो, जो भी फॉर्म आईटीआई से आती है। अब बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई करने के क्या बेनिफिट हैं। तो इस बेनिफिट को बताने से पहले आप सभी को मनसा पूजा की बहुत सारी बधाइयाँ, और कुछ साउंड जो है वो बाहर से आ रही होंगी, तो वीडियो में थोड़ा मोड़ा साउंड बाहर से आ रहा होगा क्योंकि बगल में मनसा पूजा हो रही है, तो थोड़े मोड़े साउंड को जो है आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो। अब बात करते हैं आईटीआई करने की क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आईटीआई करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि आईटीआई का फुल फॉर्म से ही आपको पता चला होगा कि आईटीआई का मतलब ही होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो आप जान लीजिए कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर में जो है सबसे ज़्यादा डिमांड है आईटीआई का। लेकिन आज के समय सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि अलग अलग विभागों में भी आईटीआई की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे कि रेलवे हो, ब्लॉक्स में कोई भी वैकेंसी आई हो, या फिर हमारे डिफेंस के क्षेत्र में, चाहे डीआरडीओ हो, उसके बाद नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी में टेक्नीशियल के लिए जो फॉर्म्स आती है, या फिर कुछ और के लिए, तो उनमें भी बहुत सारे फॉर्म में आईटीआई की डिमांड की जाती है। तो आज आईटीआई एक पॉपुलर कोर्स बन चुका है जो कि बहुत पहले नहीं था, और अभी के समय में आईटीआई की इतनी डिमांड बढ़ चुकी है कि लगभग सभी शहरों में जो है आईटीआई कॉलेजेस जो है वो आ चुके हैं, और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अब बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस करने में फ़ी क्या लगती है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में करने का जो फ़ी होता है वो जो आपका एग्ज़ाम में जो आपका एडमिशन फ़ी लेगी वो तकरीबन 30,000 रुपये लेती है। आप कहोगे कि 30,000 रुपये, तो वो पैसे भी आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। वो कैसे किया जाएगा, तो वो आपको स्कॉलरशिप के द्वारा किया जाएगा। मैं बता दूं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई करते हो तो आपको मिनिमम स्कॉलरशिप 15,000 से 18,000 रुपये दी जाती है, जो कि काफ़ी है, और ये स्कॉलरशिप आपको दो बार करके दी जाएगी क्योंकि आईटीआई 2 ईयर्स का कोर्स होता है। जैसे कि ट्रेड में बहुत सारे 2 ईयर्स के होते हैं और बहुत सारे 1 ईयर के, जैसे कि वेल्डर 1 ईयर का होता है, इलेक्ट्रीशियन फिटर 2 ईयर्स का होता है। तो अगर हम देखें तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन फिटर करते हो तो 2 साल में आपको 15,000 करके 2 बार स्कॉलरशिप आते हैं, जो कि 30,000, जो कि आपका एडमिशन जो है वो पूरे तरीके से रिटर्न हो जाता है। अब बात करते हैं इसके अलावा क्या खर्च जाती है। तो आपका जो रहना हो गया, खाना हो गया, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलअप, ये सारे जो खर्च हैं वो आपको अपने घर से मैनेज करना होगा। तो आईटीआई किन स्टूडेंट के लिए बेटर है ये भी जानेंगे। आईटीआई उन सभी स्टूडेंट के लिए बेटर है जिनको जो कि थोड़े से गरीब घराने से या तो फिर थोड़े कम मिडिल फैमिली से आते हो, क्योंकि जिन्हें पैसे की प्रॉब्लम है या जिन्हें चल के जल्द ही कुछ करना है 2 साल 3 साल या 5 साल के अंदर में, वो आईटीआई का कोर्स कर सकते हो। बाकी आप अपनी रुचि के अनुसार जो है वो आईटीआई का भी कोर्स कर सकते हो, क्योंकि ये जो कोर्स है, मैं किसी भी कोर्स को ख़राब नहीं बताता हूँ, क्योंकि हर एक कोर्स अपने जगह पे सही है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर आप आईटीआई करते हो तो इसके बाद आप तुरंत जो है वो रेलवे की वैकेंसियाँ भर सकते हो, बहुत सारे जो इंडस्ट्री में आप जा सकते हो, और इसके लिए जो कंपनीज़ है वो कंपनीज़ जो है वो प्लेसमेंट भी लेती है कॉलेजेस में। जी हाँ, जब आईटीआई के कॉलेजेस में आपका एडमिशन होता है, जब आपका लास्ट ईयर होता है, उस समय कंपनियां जो है आपके कॉलेज में आती है और प्लेसमेंट करती है, और प्लेसमेंट के समय जो है आपको जॉब देती है, और जब जॉब देती है तो आपको कितना जो है वो पे करती है, तो मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ, फेक नहीं, आपको 8,000 से 10,000 के करीब ही आपको जो है वो कंपनी प्रोवाइड कराएगी। ये नहीं कि आपको मतलब कि हवा आई, एक कंपनी आई किसी कॉलेज में, मान लीजिए 15,000 रुपये दे दी, तो उसी को आप पूरा मतलब कि बोल दो कि आईटीआई में 15,000 मिलता। जनरली ज़्यादातर कंपनियाँ 7,000 से 8,000 रुपये ही पे करती है एक आईटीआई का जो स्टूडेंट होता है उनको शुरुआती में। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट कंपनी में जॉब करते करते, अच्छा परफॉर्मेंस करते करते 30-40 तक भी जा सकता है। तो आप प्राइवेट कॉलेज से कीजिए या गवर्नमेंट कॉलेज से कीजिए, आपको गवर्नमेंट जॉब में जो है वो आप आसानी से जो है वो
फॉर्म अप्लाई मतलब कि फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो और आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। बस आपके अंदर जो है वो जुनून होना चाहिए जॉब लेने का। अब बात करते हैं कि आईटीआई में कौन से बोर्ड होते हैं। तो एक होता है एनसीबीटी बोर्ड और दूसरा होता है एससीबीटी बोर्ड। एससीबीटी बोर्ड स्टेट का होता है, एनसीबीटी बोर्ड नेशनल का होता है। तो अगर आप नेशनल से करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेटर और अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप आईटीआई के प्राइवेट कॉलेज में जाइए तो पता कीजिए कि वो एनसीबीटी से अप्रूव है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को जो है इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।